तो उन्होंने मेरे को पहले क्लेम दिया, फिर क्लेम के बाद मैंने कुछ नहीं था, उन्होंने मेरे उसमें स्ट्राइक डाल दी थी। गुड मॉर्निंग, क्या चाल है सभी की? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, एकदम मस्त चकाचक होंगे। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूं अभी बनठन के बिल्कुल मंदिर के लिए, क्योंकि मंदिर में है आज कार्यक्रम, जो हमारे नए गेहूं हुए थे, तो इसलिए आज के दिन हम लोग मंदिर पे चढ़ाने वाले हैं अपने नए गेहूं, जिसको नौना ही बोलते हैं यहां पे। तो चलो, मम्मी ने सामान वगैरह सब कुछ रख दिया है, तो चलते हैं मंदिर में, चढ़ा के आते हैं और देखते हैं वहां पे कितने भक्त जन आए हुए हैं। लाइए देवी, हमारा सामान दीजिए, मैं जलाऊंगी ये सब खाने पीने का सामान। ठीक है, ओके। तो चलिए निकल चुके हैं, जय माता दी। मंदिर के जस्ट नीचे पहुंच चुका हूं और यहां से जो चढ़ाई लगती है ना भाई, इसका मजा ही कुछ और है लिटरली। इसीलिए पहाड़ों पे मंदिर बहुत ऊपर ऊपर बनाए जाते हैं, ताकि लोग पूरा बढ़िया तरीके से आए, उनको मजा आए। और एक चीज की, अगर हम ऐसे चलते ना तो ज्यादा थकान लगती, पर हम मंदिर जा रहे ना तो इसलिए थकान भी नहीं लग रही है। चप्पल देख के तो ऐसा लग रहा है कितनी ज्यादा भीड़ होगी यहाँ पे। जय माता दी। सो फाइनली मंदिर पे पहुंच चुके हैं, और पहुंचते ही भाई बढ़िया चाय मिल चुकी है मुझे, और यहाँ पे जो ठंडक का एहसास हो रहा है ना, बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है, और इतना प्यारा सा व्यू दिखता है ना यहाँ से, देखो हाय हाय कतई जहर। अगर मेरा ड्रोन यहाँ पे आया होता तो सोचो कितने तगड़े शॉट आते हैं यहाँ से। वैसे एक बात बोलूँ, कभी देवभूमि आओ, इन चीजों को फील करो भाई बैठ के, आप लोगों को सच बता रहा हूँ, स्वर्ग वाला फील होगा। वैसे ये मंदिर जो है ना, ये कालिका माता का मंदिर है, मैंने आप लोगों को बताया नहीं, भूल गया था बताना। तो चलो अब चलते हैं पूजा करने। तो पूजा पाठ तो हो चुकी है मेरी कंप्लीट, अब थोड़ा बहुत काम करते हैं वहाँ पे। तो यार सब्जी स्थल पर बहुत ज्यादा भीड़ है, इस वजह से वहाँ पे जगह नहीं है, तो हम साइड आगे बैठ रहे हैं अब थोड़ा देर। और यहीं पे देखो साथ में नौला भी है, अभी मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ पहले, फिर हम लोग यहाँ पे रेस्ट करेंगे। तो मेरे साथ मेरे दो बॉडीगार्ड भी आ रहे हैं, बाकी सब वहाँ पे खेल रहे हैं, तो चलते हैं। वो छलांग लगा लो, आ जाओ। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने नौले में, और अब चलते हैं अंदर। यहाँ अभी फिलहाल बहुत ज्यादा पानी हो रहा होगा, क्योंकि बरसात भी हुई है, और बरसात में जो है ना जमीन से पानी बहुत ज्यादा निकलता है। और वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि पहाड़ में पानी जो है वो जमीन से ही आता है। ओ भाई साहब, यहाँ पे ना बहुत डरावना सा सीन है। तो जैसा आप लोग देख सकते हो, ये 500 साल पुराना कुआं है, और यहाँ पे हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज ना पानी पी चुके हैं, और हम भी पियेंगे। और देखो ये कितना मस्त बना हुआ है, इसकी बिल्ड क्वालिटी दिखाता हूँ आपको। पर छत में तक पूरे पत्थर डले हुए हैं, और पूरा मिट्टी से लीपा गया भाई। अभी भी लोग भाग इसको लीपते हैं, देखो यहाँ के सामने वाले गाँव के लोग आते हैं ना, तो वो लोग लीपते हैं, और देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको नौले के अंदर, और नौले के अंदर देखो भाई कितना पानी भरा हुआ है। देखने में आप लोगों को बहुत गंदा लग रहा होगा, नहीं पानी देखो वाइट वाइट सा, बट ये एकदम प्योर नेचुरल पानी है जिसको हम पी सकते हैं, और मैं आपको पी के भी दिखाऊंगा अभी। तो इसके अंदर काफी अंधेरा सा हो रहा है, और हमारे पास अभी पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यार कुछ पत्ते वत्ते ले आओ, पिनालू के पत्ते ले आओ जाओ तो, बिकॉज पिनालू के पत्ते जो होते हैं ना, उनमें पानी आराम से स्टोर हो जाता है। यहाँ है कहीं पिनालू के पत्ते? नहीं है क्या? तो पिनालू के पत्ते तो हमें मिल नहीं रहे, तो इसलिए हमारे पास एक जुगाड़ और है जिससे हम पानी पी सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है ना ककड़ी के पेड़, इनका जो पत्ता होता है, इनमें भी हम आराम से इजीली पानी तोड़ के पी सकते हैं। तो एक पत्ता हम लोग तोड़ लेंगे। ओए ओए ओए, मेरा पत्ता उड़ गया। ओ भाई यहाँ तो हवा भी काफी तेज चल रही है। तो अब जो है इस पत्ते में रखते हैं पानी और पीते हैं भाई, इसका जो स्वाद आएगा ना वो अलग ही आएगा। मुझे लग रहा है ऐसे में तो सारा पानी बिखर ही जाना है, तो इसलिए मैं इसको कटोरे का शेप दूंगा। कुछ इस तरीके की जो है हम लोग तीलियां बना लेंगे, जिससे हम लोग इसको आराम से सेटल कर पाए। बहुत ध्यान से करना पड़ेगा भाई ये काम। तो कुछ इस तरीके का हमने कटोरा डिजाइन कर लिया है भाई, यहाँ पे हम लोग आराम से पानी स्टोर कर पाएंगे, और इधर साइड से जो हम लोग पानी को पिएंगे। तो चलो अब पानी निकालते हैं। तो फाइनली भाई पानी निकाल लिया है, और ओ भाई लिटरली बहुत मजा आ रहा है। तो यार एक तरह से पानी बहुत ज्यादा कम अटक रहा है, इस वजह से मैं प्रॉपर मजा नहीं ले पा रहा हूँ, बट कोई नहीं, थोड़ा बहुत टेस्ट करने लायक तो हो गया, मजा आया। और जेन्युइन ओपिनियन दूं ना आप लोगों में, तो यार यहाँ का पानी बहुत ज्यादा प्यारा होता है, बहुत ज्यादा। आप लोग अभी आओ ना पहाड़ों में, तो नौले ढूंढना, नौलों का पानी पीना, मिनरल वाटर जो होता है ना वो धारो, और नौलों में ही होता है। तो ऐसा कुछ था भाई अपना 500 साल पुराना जो है नौला, और आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि पहाड़ की ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं यार। तो भाई पूजा जो है वो संपन्न हो चुकी है, और सब लोग घंटी बजा रहे हैं भाई मस्त। तो मम्मी जी का कॉल आ चुका था यार कि मैं आने वाली हूँ, तो वहीं पे रुक जा, आराम से साथ पूजा करेंगे एंड फिर आ जाइयो वापस। तो इसलिए मैं रुका हूँ, एंड पूजा भी कंप्लीट हो चुकी है, मम्मी भी आने वाली होगी, तो अब साथ में ही जाएंगे घर।
मम्मी जी भी आ चुकी हैं, अब हम चल रहे हैं पहले मंदिर में, दोनों पूजा करते हैं, देन फिर यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करेंगे एंड फिर चलेंगे घर। तो अभी टाइम हो चुका है भाई खाने का, सब लोगों को बढ़िया खिला रहे हैं, पहले बच्चों को फिर बड़ों को। सब्जी किस चीज की? आलू। ओ वाह, तो आलू की है, शिमला मिर्च है। बिल्कुल आलू के गुटके बना रखे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो आलू के गुटके, शिमला मिर्च और पूरी बन रही भाई मस्त। तो मजा आता है भाई मंदिर के खाने में। तो ये सब कुछ हमारे नए अनाज से बना हुआ है, पूरियां नए गेहूं से और सब्जी जो है नए आलू से। यार फाइनली सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, खाना वाना खा लिया है, बढ़िया मस्त एकदम मजा आया ना भाई खाने में, और जमीन में बैठ के खाने का तो मजा ही कुछ और है पहाड़ों में। तो चलो आप चलते हैं घर, बारिश भी आने वाली है, मैं सोच रहा था धूप आती है तो नहाने की, मस्त नदी में पानी भी हो रहा था, बट कोई बात नहीं, अब जो है बारिश आने वाली है तो चलते हैं घर और पापा जी के लिए खाना लेके जाता हूँ, पापा को खिलाता हूँ बढ़िया, मम्मी तो यहीं काम वाम करके आएगी बर्तन तो मिल के। तो चलते हैं दोस्तों और चलते हैं। आ गया शांति बेटा शांति, दरवाजा खोल लो। वो रुक जा शांति रख आ रहा हूँ बेटा, चल क्या कर रहा है वो भाई साहब, इसने यहाँ क्या कर दिया है, रुक जा तू, बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है, घर के सामान फाड़ दिया पुट। यार इसने देखो गाइस पूरी की पूरी मम्मी ने जो बारिश के लिए लगाई थी अपनी एक स्टॉल, इसने पूरी फाड़ दी, आज मम्मी तेरे को डांटेगी, रुक जा अभी बताता हूँ घर आके, बड़ा गंदा बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। है कर बस। तो दोस्तों आप देते हैं पापा और सोफी को पहले खाना, उसके बाद करेंगे भाई अपना और काम। लीजिए माता रानी का प्रसाद, मेरे लिए भी ला रहा हूँ बेटा, रुक जाओ वेट करो। हे माता रानी जरा अकल देना इसको, इन लोगों के खेतों में घूमता है। तो खाना तो दे दिया गया, अब मैं थोड़ा देर करता हूँ रेस्ट, यार बहुत थकान हो गई सुबह से, तो चलो रेस्ट करते हैं एंड फिर उसके बाद करेंगे अपने ड्रोन शॉट्स। तो उठ के आ चुके गाइस, अब मेरे को लेने हैं ड्रोन वाले शॉट और मम्मी बैठी यहाँ पे, तो सोच रहा हूँ एक बार मम्मी के ही ले लूँ, मम्मी को बहुत शौक हो रही है ना ड्रोन वाले शॉट मारने की। तो चलो अपना ड्रोन पड़ा है वहाँ पे, वो वहाँ रखा, देखो चलते हैं ड्रोन शॉट लेते हैं। मैं भी ऐसा लग रहा हूँ ऐसे नींद मूंगा, मेरे को भी नींद आ रही है। चलो यार आज के लिए इतने ड्रोन शॉट काफी है मेरे हिसाब से, क्योंकि यार अज्जू भी नहीं आया आज, तो दो जने होते तो हेल्प हो जाती है ना, बट देखते हैं मम्मी कह रही है एक बार ट्राई करने की, अगर मम्मी मेरा सपोर्ट कर देती सही से तो कल से मम्मी संभाल लेगी ड्रोन, तो थोड़ा बहुत हम लोग भी कर सकते हैं। तो अभी पीते हैं भाई अपनी चाय गुड़ वाली बढ़िया और फिर करते हैं मम्मी का टेस्ट। तो अभी भी मुझे एक गुड न्यूज़ मिली है कि भाई मेरे चैनल पे एक थी कॉपीराइट स्ट्राइक, देखो उस कॉपीराइट स्ट्राइक को जो है आज फाइनली यूट्यूब रिमूव करने वाला है। आज से करीब 3.5 महीने पहले जो है मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक आई हुई थी, जो कि भाई अपने इलाके की इसने दी थी, बिकॉज पहले मैं जब नया नया था ना तो मैंने उनकी एक वीडियो अपलोड कर दी थी ड्रोन शॉट वाली, तो उन्होंने जो है मेरे को बाद में जब मेरा चैनल अच्छा चलने लगा ना तो उन्होंने मेरे को पहले क्लेम दिया, फिर क्लेम के बाद मैंने कुछ नहीं किया तो उन्होंने मेरे उसमें स्ट्राइक डाल दी थी। तो स्ट्राइक डालने के बाद से तब से मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक चल रही थी और आज फाइनली जो है मेरी स्ट्राइक हटने वाली है यार। तो उस दिन से भाई मैंने कभी किसी का कंटेंट ऐसे यूज़ ही नहीं किया भाई, पूरी छानबीन करके, मैं हमेशा यूज़ करता हूँ ना, मैं हमेशा छानबीन करने के बाद यूज़ करता हूँ, और खासकर अपने इलाका तो भाई किसी का भी मैं कंटेंट उठाता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है भाई अपने ही बंदे होते हैं। चलो कोई नहीं, कुछ एक काम तो हो गया फाइनली। लो जी अभी तक आप लोगों को जो मेरे ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक दिख रही थी वो कैंसिल हो चुकी है एंड एक्सपायर हो चुकी है, तो आई एम वेरी हैप्पी गाइस, बस मेरा काम हो गया। तो आप लोग बोलोगे कि ये बात आपने शेयर क्यों नहीं की, तो इसलिए मैंने शेयर नहीं की क्योंकि यार मुझे पता था कि 90 दिन में एक्सपायर हो जाती है, एंड फिर मैंने कहा इतना बड़ा कोई इश्यू है नहीं, या तो लाइफ टाइम वाली होती तो मैं डिस्कस करता है, कोई रिस्क वाली बात होती तो नॉर्मल था, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। एंड अभी मैंने जस्ट ट्राई किया तो मेरा कॉपीराइट स्ट्राइक हट रहा था, तो मैंने कहा कि आप लोगों को दिखा दूं। तो ड्रोन गया भैया अपनी गली के अंदर और हम चलते हैं अपनी गली के अंदर। लो जी अंधेरा हुआ नहीं, बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है और इस बारिश का कुछ नहीं किया जा सकता भाई, अल्टीमेट बारिश हो रही है देखो, पर एक चीज़ है कि गर्मी नहीं लगती भाई इस बारिश से, बहुत ज़्यादा ठंडक वाला फील होता है देखो। आए आए तो चलो आप करते हैं अपना डिनर बढ़िया फर्स्ट क्लास, देखो क्या मस्त लग रहा है टनाटन पहाड़ी खाना। चलो तो चलिए दोस्तों बाकी डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है, इस ब्लॉग को करते हैं एंड। अब तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, पसंद आया लाइक करना शेयर करना, चैनल पर बढ़ते बढ़ते नहीं आ चुके तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।